नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। नववर्ष पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर किया माता जगदम्बा की महाआरती। जिले को नशा मुक्त बनाने में भगवती मानव कल्याण संगठन के हर सिपाही की रहेगी अहम भूमिका। कमल सिंह उमरिया, जिला मुख्यालय KPTS। मंदिर प्रांगण में विगत कई वर्षों से भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वावधान में माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की महाआरती का भव्य आयोजन माह के प्रथम रविवार को सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाता है। इसी तारतम्य में नववर्ष 2023 के आगमन पर जिले की समस्त भगवती मानव कल्याण संगठन की टोलियों ने महाआरती में शामिल होकर सर्वप्रथम माता जगत जननी जगदम्बा को व सद्गुरु श्री शक्तिपुत्र महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सभी ने शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दे दी। जिलाध्यक्ष कमल सिंह राठौर ने बताया कि हम सभी संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नववर्ष की शुभ बेला में संकल्प लिया है कि हम समाज की मई फैली कुरीतियों अज्ञानता को दूर कर नशामुक्त समाज की स्थापना कर स्वर्णिम भारत में नए युग का आगाज करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए नववर्ष की बधाई दी। भोला नामदेव, एमपी न्यूज कास्ट, उमरिया। बाबा मंदिर उमरिया थाना के सामने माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा व परम पूज्य सद्गुरुदेव जी भगवान जी की दिव्यता की आरती सम्पन्न हुई। जय गुरुवर की। आज दिनांक 1 जनवरी 2023 को प्रत्येक माह के भांति इस माह भी नए वर्ष के उपलक्ष्य में साथ साथ प्रत्येक माह के भांति इस माह में भी माता भगवती आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा और शक्तिपुत्र महाराज जी सद्गुरुदेव भगवान की आरती संपन्न हुई, जिसमें सभी उमरिया जिले के नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान भाई बहन उपस्थित होकर के इस आरती को संपन्न किए। साथ ही संकल्प लेकर के गए कि हम सब समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान बनाएंगे और देश का साथ साथ समाज का विकास करेंगे।